नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज कोरोना वायरस को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैली हुई है सोशल मीडिया पर। लोगों के बीच में एक दहशत का माहौल तो बना ही हुआ, उसके अलावा जो कुछ अफवाह है उसकी वजह से और ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। मैं कहूँगा अफवाहों पर ध्यान मत दीजिएगा। एक अफवाह और आजकल फैली हुई है कि क्या मच्छर के काटने से कोरोना वायरस फैलेगा। बहुत से सोशल मीडिया में मैसेज चल रहे कि अभी गर्मी आने वाली है, मच्छर बहुत ज़्यादा आएंगे और मच्छर जो अगर कोरोना पीड़ित व्यक्ति को काटेगा और वो किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है। इससे बहुत सी सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहे हैं और लोगों के बीच में डर का माहौल बन चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है। मच्छर के काटने से यानी कि मॉस्किटो बाइट से कोरोना वायरस नहीं फैलता है, ऐसा कई डॉक्टरों का बोलना है। तो इसलिए आपको मच्छरों से डरने की ज़रूरत नहीं है कोरोना वायरस की वजह से। मच्छरों से तो डरना ही चाहिए वैसे, लेकिन कोरोना वायरस से स्पेशली कुछ नहीं फैलेगा मच्छरों की वजह से। जो फैलती आ रही है वो बीमारी अब जरूर फैलेगी, लेकिन कोरोना वायरस और मच्छर का कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो एक नया डर है, नई अफवाह है, तो इससे आप बचिए और लोगों को अवेयर कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है। मच्छर के काटने से आपको कोरोना वायरस नहीं हो सकता है। इसके अलावा बहुत सी अफवाहें चल रही है, तो सब अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। ये एक बहुत डर का माहौल बना हुआ है। लोग कई लोग तो इतनी अफवाहें फैल रही है कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्यामत आ जाएगी, ये वो वक्त आ गया है कि जब दुनिया एंड होने वाली है। कई ज्योतिषियों ने बोला था शायद ये वो टाइम आ रहा है कि आज अभी ये दुनिया ख़त्म। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोरोना वायरस से डरो मत। ये सिर्फ एक वायरस है, ये कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ हमारी गवर्नमेंट इसके लिए बहुत अच्छा कर रही है, इसके रोकथाम के लिए हमारी जो देश की गवर्नमेंट है, इसके अलावा हमारे प्रदेशों की गवर्नमेंट जितनी भी है, सब लोग अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ हमें भी उसमें अपना साथ देने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है, उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें जो उसकी अच्छी हैबिट्स है वो हमें डालनी है जिससे हम कोरोना वायरस से बच के। वो तो मैं नहीं बताऊँगा, वो आप सबको अभी मालूम होगा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या हैबिट्स अपनानी चाहिए। वो सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है, तो वो हैबिट्स आप अपनाइए। वो लॉन्ग टाइम के लिए भी हमारे लिए अच्छी है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जो हाथ धोना, अगर आप बीमार हैं तो आपको दूर से मतलब कि आपको हैंकी लेके छींकना या मास्क लगाइए, ये सब चीज़ें आप एक हैबिट में बना लीजिए। कोरोना वायरस समझिए अगर हमारे देश में कंट्रोल हो जाता है तो, लेकिन जो उसके डर से हम अच्छी चीज़ें अपना लेते हैं तो ये हमारे देश में आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा। अगर आज हम ये चीज़ें अपना लेते हैं, बार बार हाथ धोने की आदत अगर हमारे देश के हर नागरिक को हो जाती है, घर से बाहर गए आने के बाद हाथ धोया, कुछ खाने से पहले हाथ धोया और टॉयलेट करने के बाद हाथ धोया, ये सब हैबिट अगर पड़ जाती है, और अगर आप बीमार हैं, आपको सर्दी खांसी फ्लू हुआ है और आप मास्क लगा के बाहर निकलते हैं या बाहर निकलने में अवॉइड करते हैं, तो ये बहुत अच्छी हैबिट है और हमारे देश को इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर कोरोना से हम विजय तो पाई लेंगे, लेकिन इससे हमारी देश के लोगों की हेल्थ में बहुत सुधार होगा अगर हम ये हैबिट्स अपना लेते हैं। कोरोना की वजह से ही अपनाएं, लेकिन ये हमें ये नहीं कि आज हमें कोरोना का डर है तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए हमें अपनानी पड़ेगी हैबिट्स। इससे हमारे देश की जो हेल्थ है, लोगों की हेल्थ में बहुत सुधार होगा। ये हमें अपनानी चाहिए और डरने की कोई ज़रूरत नहीं कोरोना से, सिर्फ हमें सावधानी रखनी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।